अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पिनव्हील। उसके लिए मुझे चाहिए ग्लेस पेपर। आप हार्ड पेपर भी यूज़ कर सकती हैं, चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्लेस पेपर यूज़ कर रही हूँ। मैं फोर कलर के पेपर लिए, आप एक कलर का भी यूज़ ले सकते हैं कलर। अब आपने करना ये है कि मैंने ये लिया और इसको 2x2 फोल्ड कर दिया। सेम फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी। इसी तरह मैंने इन स्ट्रिप्स के भी मैंने कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद ये देखें, ये 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 कटिंग की, एक ये ऑरेंज, ये और फिर रोज़ी, इन सब की मैंने कटिंग कर दी। अब ये कटिंग करने के बाद आप इन सबको काट लें, इनको भी आपने काट लेना है दरमियान से। फोल्ड करके आपने साइड से इनको काट लें। ये देखिए आपने ये भी काट लिया, ये भी काट लिया। इसी तरह मैं ये सारी काट लूंगी। वन बाय वन ये सारी काट ली है। अगर आप कटर यूज़ कर रहे हैं तो नहायत ध्यान से यूज़ करें, इससे आपको कट भी लग सकता है। ये देखिए मैंने कलर्स काट लिए। काटने के बाद अब मैं दरमियान में बनाऊंगी एक छोटा सा व्हील। व्हील बनाने के लिए मुझे चाहिए एक, और मेरे पास वेस्ट पेपर पड़ा हुआ है, और मैं पेंसिल के साथ इस पे एक सर्कल बनाऊंगी। सर्कल बनाने के लिए मैं कोई सी भी शेप ले सकती हूँ। मैं इस शेप का भी बना सकती हूँ। ये देखें, ये बड़ी सी शेप हो गई, एक बड़ा बना दिया, और एक मैं मीडियम शेप का बनाऊंगी। ये देखें, ये दो सर्कल मैंने बनाए, इनको भी राउंड में काट देना है। राउंड शेप काटने के बाद अब इनकी नोकों पे आपने ये ग्लू लगा देनी है। इन चारों की नोकों पे ग्लू लगा दें। ग्लू लगाने के बाद अब आपने ये जो सर्कल बनाया है, ये एक बड़ा सर्कल है, और ये बड़ा सर्कल लिया है, और ये छोटा सर्कल लिया। हमें बड़ा सर्कल चाहिए। बड़े सर्कल को इधर रखकर हमने इस पे भी ग्लू लगाई। ग्लू लगाने के बाद इस पे अच्छी तरह ग्लू लगा दी। ये मैंने ग्लू लगाई। ग्लू लगाने के बाद मैंने इस पर, इसके बाद मैं ये लूँगी पेपर और इसके मिड पे मैं ये लगा दूँगी, इसके मिड पे लगा दूँगी। लगाने के बाद अब सेकंड वाला, वो भी इसके मिड पे लगाऊँगी। अब हमने इन दोनों का जो सेंटर लेना है उसके हिसाब से इसको ऐसे किया, सेंटर को सेंटर के हिसाब से मैंने आप इसके सेकंड पे लगा दूंगी। इसके बिल्कुल मिड पे लगेगा ऐसे।
फिर इसके सेंटर पे लगाऊंगी, इसको साथ साथ मैं मीट पे लगाऊंगी, इसका मीट लगाऊंगी। इसका मीट लगाने के बाद ये देखिए मैंने इसका मीट कर दिया। इसका मीट लगाने के बाद मैं अब ये थर्ड वाले अटैच कर दूंगी। ये चारों कलर अटैच करने के बाद मैं फिर उसी कलर पे पहले पे कलर पे वापस आऊंगी। अब मैं फिर इस कलर को लगा रही हूँ दोनों का बैलेंस करने से। फिर पर्पल, बिल्कुल इसके बैलेंस पे लगाना है पर्पल। पर्पल के बाद फिर मैंने इसके कोने पे लगाया और इसके सेंटर पे लगा दिया। सेंटर पे लगा दिया और एक टिंके की मदद से मैं इसको अटैच कर रही हूँ। और अब ये जो लास्ट पे कोना रह गया उसको मैं इनके साथ अटैच कर दूंगी। ये नीचे आ जाएगा पिंगी। फिर इसको अटैच कर दूंगी। वैसे जब मैं लास्ट वाला लगाऊंगी तो उसके सबसे एंड वाले कोने को मैं ऊपर ले आऊंगी और इस तरह करके मैंने इसको कवर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये कलरफुल सारे कलर आ गए। ये देखें आप सारे कलर्स देख सकते हैं, पीछे से वाइट आगे से ये। पीछे मैंने बड़ा सर्कल लगाया था, अब मैं आगे से इसका सर्कल लगाऊंगी। उसका सर्कल लगाने के लिए पहले मैं इसको दरमियान से ग्लू लगाऊंगी अच्छी तरह से। ग्लू लगाने के बाद मैं ये टिंके की मदद से, स्टिक की मदद से इसको पहले मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। फिर उसके बाद ये सेकंड वाले को फोल्ड करूंगी। उसके बाद इस वाले को फोल्ड करूंगी। मैं वन बाय वन फोल्ड कर रही हूँ। इसके बाद इन सबको फिल करने के बाद ये जो छोटा सर्कल मैंने लिया था ये इसके ऊपर मैं अटैच कर दूंगी स्टिक की मदद से।
ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके लिए मैं स्ट्रिपन बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक पेपर, और उस पेपर को मैं थोड़ा सा राउंड करूंगी। थोड़ा सा राउंड करने के बाद आपने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद आपने इधर ग्लू लगाई। ग्लू लगाने के बाद आपने इसको कवर कर दिया, एक्स्ट्रा पीस को मैंने काट दिया। ये देखिए ये मेरा होल्डर रेडी है। अब मुझे चाहिए फोमिंग पेन, मैं एक फोमिंग पेन यूज कर रही हूँ। अब आपने इसकी बैक पे हाफ सेंटीमीटर का पेपर लें और उसे बारीक बारीक स्ट्रिप्स में थोड़ा थोड़ा काट लें, इसको काट लें। काटने के बाद ये मैंने काट लिया है, स्ट्रिप्स की शक्ल में ये सारी कट गई है। अब मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ। राउंड शेप देने के लिए मैं स्ट्रिप का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्ट्रिप का इस्तेमाल राउंड शेप पे मैंने इसको ग्लू लगा दिया, तो इसे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद इसको मैंने खोल दिया। इसको ग्लू लगाई। ग्लू लगाने के बाद मैंने ये कॉमन पिन ली, उसको इस व्हील में डाल दिया। एहतियात से डालिएगा ताकि पिन चुभ ना जाए। इससे डालने के बाद ये देखिए मैंने डाल दिया। डालने के बाद मैं पिन को
ये देखिए मैं फोल्ड कर रही हूँ, इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं। ये मैंने पिन लगा दी। अब ये देखिए पीछे से ये ऊपर आ गई पिन, और अब इसमें से मैं ये निकाल के इसको इसके साथ अटैच कर दूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इधर से ये पिन लगाई। पिन लगाने के बाद मैंने पीछे इसका स्पॉट लगा दी और पिन को टेढ़ा कर दिया। अब ये जो पिन है इसको मैंने जो मैंने स्टैंड बनाया है इसका होल्डर, इसको मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैंने एक और स्ट्रिप ले ली है, एक और स्ट्रिप ली, उस पर ग्लू लगाई, उस पर भी ग्लू लगा ली। अच्छी तरह से मैंने इस पर ग्लू लगा ली। ग्लू लगाने के बाद सबसे पहले मैंने इसको इसके अंदर अटैच कर दिया। पिन नहायत एहतियात से लगाएं। ये देखिए मैंने पिन लगा ली। पिन लगाने के बाद बस ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसकी पिन को टेढ़ा कर दिया है। टेढ़ा करने के बाद मैंने इस ये जो इस पर लगाई थी ग्लू, वो मैंने इसलिए लगाई थी ताकि पिन जो है हमारे हाथ पे ना लग पाए। इसके बाद मैंने इसको अटैच कर दिया। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये अब रेडी है। ये देखिए ये पिन व्हील रेडी हो गया है। आप इसको ये देखिए हम अपने आप देख सकते हैं कि ये रेडी है। ये देखिए ये पिन व्हील ये रेडी है। इसके बाद पेपर को आपने जरा फोल्ड करना है, और ये देखिए अब ये खुद ही घूमेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। ये जो मैंने पिन व्हील बनाया है पेपर से, आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों के अक्सर प्रोजेक्ट में पेपर वर्क मिलता है, तो आप इसको बच्चों को बना के दिखाएं। पिन व्हील बहुत आसान है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय यू डियर, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।